सो वी हैव मिसेस कानारे। इन्होंने कितने दिन का प्रोग्राम था आपका? 9 दिन का था? 7 days। 7 दिन का मेडिटेशन प्रोग्राम किया था। श्रेयांश दागा करके हैं, जो चेतना जी ने पूरा मतलब फैसिलिटेट मदद किया था, यानी नो कोऑर्डिनेट किया था। तो ये वहां पर गई थी 7 दिन के लिए। तो लेट अस हियर सम एक्सपीरियंस फ्रॉम हर। आपको कैसा लगा एंड व्हाट डिड यू, आपको फायदे क्या हुए वहां जाके? फायदा ऐसा था कि जैसे मेरे में जब सब कुछ कर रही हूँ, मैजिक कर रही, सब कर रही, पर कहीं ना कहीं मन और दिल जो होता है ना, उसमें कुछ कंफ्यूजन या कुछ तो ऐसा था कि कहीं तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। और बहुत सारी चीजें थी जिसके मुझे जवाब ढूंढने थे, तो क्वेश्चन मार्क लेके गई, फुल स्टॉप लगा कर आ गई। वहां का जो फुल स्टॉप लगा के आई, देखिए, ओके, वंडरफुल। वहां का एटमोस्फियर ही बहुत अलग, एंड द श्रेयांश दागा ऐसे व्यक्ति है, मैंने बुद्धा बोलते हैं ना जिसको, एक बुद्धा है वो, एक प्रकार के बहुत ही रिनाउंड पर्सनलिटी, इतना डाउन टू अर्थ, इतने डाउन टू अर्थ कि यानी उनका ज्ञान इतना अच्छा, यानी वो ये नहीं बोलते कि मैं ज्ञानी हूँ, वो बोलते मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने बहुत ही अलग व्यक्ति मत हो, मैंने आज तक ऐसी व्यक्ति नहीं देखी। और मुझे जो वहां पर हुआ, जैसे मेडिटेशन, बहुत सारे लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस आए, तो वहां ब्रेथवर्क मेडिटेशन था, वॉकिंग मेडिटेशन था, आनापान सती, 7 चक्रास, ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन उन्होंने अलग अलग ली। तो एक अपने आप में एक वननेस आता है वो जब हम मेडिटेशन करते हैं, और जब वहां पर जब पिरामिड में जब हम अंदर जाते हैं, एक अलग प्रकार की एनर्जी है वहां जाने के बाद, लिटरली आदमी ऐसे हिलता है। किंग चेंबर में बैठने के बाद जब हम बैठकर ध्यान लगाते हैं तो हम टोटली, इतनी हाई एनर्जी है इधर कि पूरा आदमी हिल जाता है। मुझे तो पहले लगा इतना बड़ा पिल्लर पे किंग चेंबर है पर मैं हिल क्यों रही हूँ, मुझे हो रहा है क्या से? फिर मैंने नीचे उतर के सबको पूछा, यार मैं वहां हिल रही थी, क्या था? तो बोले हाँ नहीं, ये है यहाँ पर। और बाकी खाने पीने का तो मजा ही कुछ अलग था, यानी पूरा, यानी 7 स्टार जी कर आई हूँ मैं वहां पे, 7 स्टार लाइफ। और मैं रोज लिखती थी कि मैं आजकल 7 स्टार लाइफ जी रही हूँ, मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है, और लियरली मेरा गोल्डन पीरियड ही था वहां पे सब कुछ। वाओ, इसके पहले आपने कभी मेडिटेशन किया था क्या? करती थी कभी कभी, ऐसी मन में आया तो जस्ट, मुझे एक चांद दिखना चाहिए, चांदनी दिखनी चाहिए, ऐसे ने पता तो कुछ था नहीं, बट पहले से करती थी, यानी अच्छा लगता है मुझे मेडिटेशन करना। और जब चेतना मैम ने एक बार चलाया था, और मुझे पता नहीं कुछ अलग ही मेरा ऐसा लगा, नहीं मैं तो यहाँ जाऊंगी जरूर। जैसे अपॉर्चुनिटी आई, और वो मुझे उन्होंने भी 50% डिस्काउंट दिया, और बहुत अच्छा। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसे फ्री ये सब, यानी उन्होंने बोला जिसको आना है आओ, बच्चों के लिए वहाँ फ्री था, बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज थी, मेडिटेशन था, योगा था, बच्चों को भी बहुत अच्छा वहां पर मिला। इवन पेरेंटिंग का भी एक सेशन उन्होंने लिया, टोटली क्वांटम फिजिक्स पे ही है, और ये सब कुछ जो हम सीख रहे हैं ना वही है, बट उसको कुछ अलग तरीके से, साइंटिफिक वे से उन्होंने हमें समझाया, जो हमारे वो दिल तक पूरा चला गया कि हाँ हम सीख तो रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ अप्लाई करने में कम हो रही हूँ। मे बी सभी को समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी शीतल मैम को पता है मेरा पहला वाला क्वेश्चन मार्क कैसा था। समर्पित होके जाओ, बस आप फुल स्टॉप लेके आओगे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद हर। जो भी करना है उनका कहना था आप 100% करो, अगर आप टीवी देख रहे हैं 100% वही रहो, तुम कुछ भी कर रहे हो वहां पर आप 100% देना जरूरी है। और एक जो मैंने एक कोट बताया था शीतल मैम को, अभी मेरे पास बुक नहीं है, एक सेकंड,
जब उन्होंने कहा था कि जब हमारा मन जागता है तब लॉजिक जागता है एंड हृदय जागता है तब स्वीकृति आती है और आत्मा जागती है तब एकत्व आता है. तो ये हमको आत्मा को ही जगाना है जिससे हमें एकत्व आएगा और फिर हमारी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी. क्योंकि मन तो हमें लॉजिकली बताता है कि लॉजिक ये सच है या करना ही चाहिए कि नहीं, हाँ ये होगा कि नहीं. तो जब मन जागता है तो लॉजिक आता है और हृदय जागता है तो हम स्वीकृत करते कि यस होगा. और जब आत्मा जागती है तो उसमें एकत्व आता है, यानी वननेस आता है. कैन यू रिपीट दिस इन इंग्लिश, समझ में नहीं आया मुझे. जब आपका माइंड जागता है तब लॉजिक्स आते हैं, दैट व्हाट आई एम. लॉजिक लगाते हैं हम या लॉजिक जागता है. ओके, और सेकंड पॉइंट, हृदय जागता है तब स्वीकृति आती है. जब हमारा हार्ट एक जागता है तो एक्सेप्टेंस होता है. अच्छा, एक्सेप्टेंस आता है. Okay, जब आत्मा जागती है तो एकत्व, वननेस. आत्मा इज द सोल, राइट? यस, आत्मा इज द सोल. यस यस, तो वननेस आती है. यस यस, सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट. बहुत बढ़िया पॉइंट बताया इन्होंने. जब आप अपने दिमाग को लगाओगे तो लॉजिक शुरू हो जाएंगे. जब दिल को लगाओगे तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा. जैसे अपन कभी किसी को दिल से चाहते हैं ना, तो हमको उसकी नेगेटिविटी नहीं दिखती, करेक्ट? पर जब आपकी आत्मा जागती है तो यू, इट इज वननेस, वननेस विथ योरसेल्फ, करेक्ट? वननेस मींस इट इज यू योरसेल्फ, खत्म. बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं. कितने लोग बोर होते हैं? हम बोर होते हैं, करेक्ट? आई मीन होते हैं कभी ना कभी बोर. That means you do not love yourself somewhere. कहीं ना कहीं वहां पर आपका लव मिसिंग है. The moment you start loving yourself, कभी भी you will never be bored with yourself. जब भी आप अकेले भी बैठे रहोगे तभी भी आप बोर नहीं होंगे. तो this is the power of your soul, आत्मा, oneness आ जाती है. Thank you very much. Anything else you like to share? वैसे तो बहुत कुछ है सर. उन्होंने एक बुद्धा की स्टोरी भी हमें बताई थी कि जब हमें कुछ कोई बोलता है तो हम कैसे जल्दी से रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर. तो बुद्धा जो थे वो एक जगह ध्यान कर रहे थे और एक चरवाहा वहां आया और गाय चराने लगा. तो उन्होंने कहा बुद्धा को कि आप मेरी गाय को देखिए, मैं आता हूँ थोड़ा पानी पी के. तो बुद्धा ने हाँ ठीक है ओके. फिर जब वो पानी पीकर आया तो देखा उसकी गैया इधर उधर चली गई, कोई नहीं है. तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत बड़ा भुला कहा बुद्धा को. आधा घंटा बोलते रहा बुद्धा, अपने शांत बैठे थे. तो फिर आखिर वो आदमी कहा कि भाई मैं आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरा मुंह दुख रहा है, बट आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? तो बुद्धा ने कहा आपने जो कहा है वो मैंने सुना ही नहीं, वो मैंने लिया ही नहीं, तो वो मुझे लगेगा नहीं. तो इसी तरह हमें भी बनना है. और फिर वो उनका ये बन गया, सेवक बन गया. भाई मुझे तो सबसे ज्यादा इंसान सुभाष जी लग रहे हैं. सुभाष जी बहुत खुश लग रहे हैं अभी, उनकी तो लाइफ. उन्होंने तो जो पैसे खर्चे किए उसमें दो लोगों के फायदे हो गए. कांग्रेचुलेशन सुभाष जी, आपने बहुत वाइज डिसीजन किया, आपने अपनी वाइफ को भेज दिया. सर अभी कोई आपका ब्लेसिंग था, सर आपका ब्लेसिंग था, मैं आपका कोर्स ज्वाइन किया इसलिए सब कुछ हो पा रहा है. जिनको भी चलना है जब भी होने वाला, आई थिंक नवंबर में, मंथ ऑफ नवंबर होने वाला है और हम सब फिर से जाने वाले. मेरा तो पूरा फ्रेंड सर्कल अभी से रेडी है कि तू कहाँ गई थी, इतना मजा करके आई वहाँ. मेडिटेशन के साथ साथ लाइफ एंजॉय किया, फुल्ली एंजॉय, बोटिंग, बहुत सारे डीजे, डांस, एवरीथिंग. एंड मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी पूरा, इन्हें सस्पेंस नहीं खोलूंगी. बहुत मजा आया. वो दोनों वाला में भी होगा वो तो. तो जैसे 7 days का था, आपको ये नहीं लगा इतना लंबा प्रोग्राम है 7 days? नहीं, वहां पर नींद भी नहीं आती. वहां पर अभी अगर मैं आपको बताऊँ की खाने में क्या क्या था, दिन भर सिर्फ खाने का काम किया और बैठने का काम और सुनना और मेडिटेशन. रात मेडिटेशन, दिन मेडिटेशन, सुबह मेडिटेशन, खाओ पियो, डिटॉक्स फूड, क्या क्या नहीं था. यहाँ पर साक्षी जी है वो भी बता सकती है, काजू बादाम सब कुछ ऐसा रखा हुआ, खाओ कितना खाना है. बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी ने आना चाहिए. मैं तो बोलती बहुत मस्त है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग. जिनको भी आना है जरूर चलना साथ में.
चेतना जी पूरा उनको ये फैसिलिटेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, एंड वी आर ऑल गोइंग फॉर दिस मेडिटेशन प्रोग्राम बाय श्रेयांश डागा. थैंक यू वेरी मच. सो देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू शेयर. भगवान जी जो है, मतलब रियल भगवान फ्रॉम दुबई, आप सभी लोग जानते हैं रियल भगवान को, उन्होंने एक लाफ्टर सेशन शुरू किया है. एवरी संडे को वो लाफ्टर सेशन कराएंगे. तो उनका एक लिंक जो है, जो ग्रुप का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिनको भी थोड़ा हंसना है वो इस सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. सबसे बढ़िया दवाई अगर कोई है वो है लाफ्टर. रिमेंबर दिस. और ये एक्चुअली बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं भगवान जी, सब बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत लोगों को ठीक किया है. सो वी हैव 5 मिनट्स, सो भगवान इफ यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट योर, आप क्या कराते हो, आप कैसे हंसाते हो लोगों को. राजन जी तभी इनका नाम भगवान जी रखा. ये ओरिजिनल भगवान है फ्रॉम दुबई. एक मिनट इम्पोर्टेड भगवान जी है. हाँ जी भगवान, एंड ही इज वेरी यंग ऑल्सो. भगवान जी काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ योर एज, तो हमको भी पता चले आप कितने जवान हो. आई हैव नो एज बिकॉज आई लिव इन आत्मा. माई बॉडी हैज अ एज. इफ यू वॉन्ट आई कैन टेल यू माई बॉडी एज इज 75 years, एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आई टेल यू द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, लेट अस लिव फॉर अदर्स. इतना मजा है दूसरों के लिए जीने में. मेरा अनुभव ये है, लास्ट 10 years में पूरा दूसरों के लिए जीता हूँ. जो मैं दे सकता हूँ वो मैं देता रहता हूँ. फ्री योगा, फ्री सत्संग, फ्री भजन भाव, जो भी बोलो हम रेडी है एनी टाइम. और देखा कि लाफ्टर मिसिंग है. जैसे आपने सही बताया कि बेस्ट मेडिसिन इज लाफ्टर. खर्चा भी नहीं है, फिर क्यों कंजूस होते हैं. Let's laugh. हंसेगा उसका घर बसेगा. हर काम में लाफ्टर जोड़ देते हैं हम लोग. सब्जी काट रहे हैं, दाल बना रहे हैं, हंसो. हाथ धो रहे हो, हंसो. थैंक यू वाटर, आई एम सो लकी. थैंक यू म्युनिसिपालिटी. थैंक यू, सबको थैंक यू भी करते जाओ, उसका इस्तेमाल भी करते जाओ. कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए. खाली जो शर्म है ना वो निकलनी चाहिए. हमको शर्म आती. अगर आपको हंसने को शर्म आती है घर में तो आप ऐसे हंसे. आपके सारे नस नाड़ियां खुल जाएंगी, आपकी एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आप इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि बात मत करो. और नेगेटिव पीपल को आप ऐसे हैंडल कर सकेंगे. बहुत बेनिफिट्स हैं. हम हर संडे आपको बताते रहेंगे. फ्री क्लासेस है, जो भी हमारे से सेवा होती है टोटली फ्री, निष्काम 100%. तो उसका कितना होगा, टाइमिंग क्या है? सॉरी, इंडिया का टाइमिंग क्या है? इंडिया में टाइमिंग, इंडिया विल बी 6:30, दुबई 5 o'clock, इंडिया 6:30 इन द मॉर्निंग. नो, इवनिंग शाम को. एवरी संडे 6:30 इन द इवनिंग इंडियन टाइम. ये वहां पर आपको दुबई में हंसाएंगे और हम यहाँ हिंदुस्तान में हंसेंगे. और कितना टाइम चलता है ये सेशन? और 30 to 40 minutes. ओके, 30 मिनट्स का सेशन. ये संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे है. देयर विल बी अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड वी आर ब्रिंगिंग दी डॉक्टर मदन कटारिया करके एक हैं, जो सारा उसने उसमें दिया है. वो उसको भी हम लोग लाने वाले हैं स्क्रीन पे. तो यू डोंट मिस इट. वो इतना आपको नई नई बातें बताएंगे. हमारे हम उससे ही सीखे हैं. वो एक बार दुबई में आए थे हमारे योगा क्लास में, उन्होंने कराया. वह तब से हम लोग ने शुरू कर दिया है लास्ट 10 years में. तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. कीप योर सेल्फ, आज मेंबर बन जाओ, फिर आपको लिंक पे पूरा उनका डिटेल आ जाएगा. फ्री लिंक भी आ जाएंगे आपको. ओके, सो आई विल शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप. ज्वाइन करना है, दे कैन ज्वाइन, एंड वहां पर आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, थैंक यू राजन. राजन सर, आई रियली वांट टू से वन थिंग. यस राजन सर, एक्चुअली अब मुझे ऐसा लगने लगा है आपका सेशन ज्वाइन करने के बाद कि ऐसे खूबसूरत लोगों की बरसात हो रही है. बरसात
मतलब यू नो मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि मुझे लगता है शायद ही कोई 4-5 लोग होंगे जो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे. मतलब आई एम सराउंडेड बाय अबंडेंस ऑफ पीपल इन माय लाइफ. मुझे लगता है कि हजार लाख करोड़ों लोग ऐसे हैं और जहां आप इस प्लेटफॉर्म पे उनको इकट्ठे लेकर आए हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिसेप्टिवनेस कि आप सबको एक्सेप्ट करते हो द वे दे आर एंड यू आर मतलब यू आर अलाउइंग एवरीबडी टू एंटर इनटू योर सेशन एंड यू नो कीप द शेयरिंग एंड I mean, I have no words. Actually. Okay, thank so thank you, so much. thank you. और आज तो बरसात होने वाली है क्योंकि आज हमने invite किया है Annie Munjal को. So it is 9 p.m. and so let us all welcome Annie Munjal to our special guest sharing. आज वो हमें सब share करने वाली है, बहुत सारी अच्छी चीजें बताने वाली है. So Annie, welcome to you. Good evening, uncle. Thank you so much. Good evening, Annie. Love you. Annie, love you so much. Welcome. Love you. So good to see you. Welcome, Annie. Welcome, Annie. Thank you so much. आप लोगों ने तो वेलकम के लिए बेस्ट वेलकम करा, हंसा के वेलकम करा. Annie, but इतना हंस के मैंने कहा चलो this is a very good beginning. So we welcome Annie. Welcome you, Annie. Love you. हम सब एनी को जानते हैं कि एनी इज वेरी क्यूट एंड एनी एंजल है हमारी. इतनी सारी बुक्स हमको कराई है, मिरर वर्क, मैजिक, पावर बुक, इतना कुछ हमने सीखा है एनी से. मतलब एनी के मम्मी पापा तो बहुत ब्लेस्ड हैं ही और हम लोग भी बहुत ब्लेस्ड हैं. मतलब शी इज यू नो आजकल के जमाने में इतने अच्छे बच्चे होना मतलब बहुत ही प्राउड की बात है. और मतलब शी इज टेक सेवी. मम्मी कहीं भी जा रही है, फोटो क्लिक करना, वीडियो क्लिक करना, रील बनाना, उनको छोटी छोटी चीज का उनका ध्यान रखना, यू नो मतलब जितने भी हम रिट्रीट में गए एक एक चीज वो इतना केयर करती है कि उसको देख के इतना अच्छा लगता है ना. बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है हमको, यू नो कि इस एज में कितनी समझदार है वो. सो वी आर ब्लेस्ड कि मतलब इतनी अच्छी बच्ची और इतना अच्छा उसमें इतना पेशेंस है. सुबह कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करो तो हाँ जी इतने लोग पूछ रहे होते हैं अच्छा क्या करना है. शी ऑलवेज हाँ जी. तो अभी हम लोग मिले थे एक फंक्शन में, तब भी देख रही थी मतलब इतने अच्छे से मतलब हम लोगों की फोटो क्लिक कर रही है वहां पे जाके, फंक्शन को इतना इंटरेस्टिंग बना रही है. एक फंक्शन में गए थे हम तो यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग वो इतने अच्छे से करती है कि उससे बहुत कुछ लर्निंग होती है. मतलब ये हमको, मेरे को तो बहुत सारी लर्निंग मिलती है उससे. सो थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच. वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू एनी. यू हैव गिवन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग टू अस. यस, द बेस्ट थिंग यू हैव गिवन टू अस दिस टाइम द MAH प्रैक्टिस. इट्स एन अमेजिंग गिफ्ट फॉर अस. मतलब आपने इतनी मेहनत की है उसके लिए, जो एफर्ट्स डाले हैं उसमें, मतलब इट वॉज अमेजिंग. मतलब वो एक ऐसी चीज है कि पूरे दिन का ग्रेटिट्यूड हो जाता है, सबका ग्रेटिट्यूड उसमें हो जाता है. थैंक यू सो मच एनी फॉर ऑलवेज बी एक्टिव, बी पुटिंग सो एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क फॉर गिविंग अस लर्निंग एंड नॉलेज. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. वी आर ब्लेस्ड. यस, वी आर ब्लेस्ड. सो थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेलकम एनी, लव यू. Thank you for coming in our session. So Annie is the daughter of Arvind ji and Ashwin ji Munjal, जो भी कोई नहीं जानते हैं. और ये जो programs करती हैं, अलग से अपने खुद के programs भी करती हैं. And she is very very effective with the kids. जिनके भी बच्चे हैं, अगर उन्होंने Annie का session, अगर एक महीने का जो program रहता है उनका, वो program पूरा किया है, तो बच्चा बदली हो जाता है. This is my experience. This is the feedback that I have got. Lots of kids are so highly influenced by the talks of Annie. Thank you, Annie. Thank you so much.
for transforming so many people. And welcome to this program. Sir, it all started because of you back in lockdown. So thank you so much. And I think, jaise Nidhi ji ne bola, it's like a whole community of people. जो अपने लिए तो है ही है मगर अपने आसपास अपने loved ones, all age groups, उन सबके तक ये पहुंचना चाहिए. एंड सो आई थिंक आई शेयर इन अ वाइल ऑल्सो, बट जब मैं आज, चलो एक छोटी सी चीज बिफोर यू टेक एन इंटरव्यू, आज मॉर्निंग में, सो अभी हमारा मैजिक बुक चल रहा है, उसमें यंग पीपल आ रहे हैं, एंड देयर वाज अ बॉय, 8 साल का है वो, एंड ही वॉज शेयरिंग 8 साल के बच्चे ने कैसे अपना स्कूल का एडमिशन, एंड वो शब्द क्या यूज कर रहा है, मैंने मैनिफेस्ट करा. हाँ, मैं हमेशा सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखता था, मेरे प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, मुश्किल था, मगर मैंने अपने लिए लिखा अपना ड्रीम, मैंने अपना विजन बोर्ड ड्रॉ करा, एंड 1 साल मैंने बहुत लग के मेहनत की और मैंने अपना ड्रीम सच बनाया, और ये बच्चा 8 साल का है. तो आज की डेट में सुनो तो लगता है, अरे वाह, एज इज जस्ट अ नंबर. जब सपने देखने स्टार्ट करो, सपने करो, इट्स द सेम साइंस फॉर एवरीवन. So thank you to all of you, जो आप अपने young ones को भी इस science से introduce करते हो, irrespective of age, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. So thank you, Annie. So I would just first ask you कि जैसे अश्मी जी ने ये gratitude के जो program शुरू किए, आपने कब से और कहाँ से सीखा ये gratitude? Gratitude शब्द, to be honest, मेरी life में magic book से पहले मैंने एक session किया था, वो सिर्फ एक one day workshop थी, I think 2018 की बात है वो. So वहाँ पे पहली बार कान में पड़ा था, but practice नहीं पता थी. But practice आई थी जब राहुल सर ने magic book बताई थी अपनी one day manifestation workshop के अंदर. तो फिर उसके बाद जब खरीदी book, पढ़ना start किया, तो पता चला कि अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है, वरना उससे पहले तो अपने आपको बहुत thankful ही समझते थे. तो 2019 is when I actively started practicing कि thank you भी कुछ होता है. Wow, भाई हमें तो जो सिखाया है thank you, वो अश्विन जी ने सिखाया है. Before that I have never said thank you in my life. अगर बोला भी रहेगा तो मुंह से बोला था, दिल से कभी से नहीं बोला. अब दिल से बोलना क्या होता है वो तो हमें अश्विन जी ने सिखाया है. ओके, सो आई वुड लाइक टू नो सम मैजिक्स जो आपने जो. अच्छा नहीं, अब आप बोल रहे हो तो मुझे भी याद आ रहा है, क्योंकि वो तो मेरी मम्मी है, तो अब मुझे याद आ रहा है. मुझे याद है जब मैं छोटी छोटी थी ना, तो मतलब नॉर्मली हम इरिटेट हो जाते थे कभी कभार, मुझे अपनी एज से बड़े लोग भी हैं, बट कभी कभार इरिटेट हो जाते थे. तो आई नाउ रिमेम्बर दैट माई मम्मा वुड ऑलवेज टेल मी दैट, यू नो बेटा, जो भी एक्सपीरियंस किसी का ज्यादा हो सकता है, धन दौलत किसी की कम ज्यादा हो सकती है, यू नो स्टेचर किसी का कम ज्यादा हो सकता है, बट आप कभी भी जिसकी एज ज्यादा है उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकते. तो वो आपको जो भी कहे उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहो, रिस्पेक्टफुल रहो. तो आई थिंक थोड़ा सा बीज उनकी उस बात ने भी सो कर दिया था. व्हेन आई वाज अबाउट, पता नहीं, छोटी सी थी, 12-13 साल की, तो वो मम्मी वाली अपब्रिंगिंग जो थी वो तो मिलनी स्टार्ट हो गई. So it is the mothers. So parents जो belief रहते हैं, 80% of your beliefs comes from your parents. अब जो इनको भी जो थोड़े बहुत आए, वो कहीं ना कहीं वहां से आए और बाद में फिर magic book से आए. 100%. So okay, so now let me kindly share some magics जो आपके life में actual में magics हुए after you practice gratitude or you know some magics in your life. हाँ जी, सो बहुत ही फन सी चीज हुई. तो मुझे छुट्टियों पे जाना बहुत पसंद था, एंड मैं ना कुछ लोगों को सुनती थी कि अरे उन्होंने मैनिफेस्ट करा, छुट्टियों पे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं. तो मैंने मजाक में लिखा, चलो मैं ना हर महीने एक वेकेशन पे जाना चाहती हूँ. एंड आई रोट दैट डाउन, एंड कमाल की बात है 2021 में ये सपना सच भी हो गया. सो आई वेंट ऑन अ वेकेशन एवरी मंथ. देन आई ऑल्सो वॉन्टेड, जब मैं अपने इवेंट प्लानिंग का काम, सो and those people, so मैंने कोई formal training, like I didn't go to a college to learn how to plan weddings. I learned it based out of experience. And ये बहुत बड़ा दिन होता है, मतलब families के लिए है ना, it's the main day. तो उसके अंदर भी whenever I would go to meet a client, even if they don't know me, उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या हूँ, zero से I'll introduce myself. तो बहुत सारी client की bookings, कितने amount पे client को book करना है वो, और मेरे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब अपने वेंडर की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं कि अरे मेरी बच्ची जैसी है, बच्चे जैसी है. तो मतलब पैसे भी पूरे दे रहे हैं और प्यार भी पूरा दे रहे हैं.
तो ये तो मैंने बहुत, मतलब जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सबके साथ ऐसे ही चलता है. एंड तो मनी के अंदर भी बहुत फर्क पड़ा. देन अपने फ्रेंड्स के साथ मैं चाहती थी कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी ऐसे लोगों के साथ ही हो जो इसके अंदर बिलीफ रखते हैं, प्रैक्टिस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज के बारे में बात कर सकूं. तो ये सबकॉन्शियसली मेरे को था कि ऐसा सा फ्रेंड सर्कल चाहिए. और कमाल की बात है, मैं थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी एंड जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने खुद ही दे रीच्ड आउट टू मी कि अरे मुझे तेरी मैजिक बुक करनी है. एंड आज की डेट में हम जब लंच पे भी मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं तो हमारे बात करने का तरीका ही ये होता है. इनफैक्ट आज की डेट में तो ऐसा हो गया मैं अपने किसी भी फ्रेंड से मिलूं, नो मैटर किसी भी बैकग्राउंड से आते, साथ में आके कहते हैं यार तुम क्या करती हो यार, ग्रैटिट्यूड क्या है यार, मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब इतने हाई फाई लोग जो रात के 2-2 बजे तक पार्टी करने वाले लोग हैं वो आके मुझसे बात करते हैं यार मैं ये भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. सो आई थिंक अपने सोशल सर्कल में वो लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि I wanted to impact people my age with learnings like this. Apni health ke andar, apni running ke andar, fun ke andar, bahut cheezo mein isko use kiya hai. I think jahan jahan actively use kiya hai, wahan wahan iske bahut maze bhi experience kare. So can you share some specific incident jo aapko health ko leke, particularly now let us. Health ko leke. Anything specifically that you have gained because of gratitude? हेल्थ को लेके अब मुझे एक याद आ रहा है क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ. मुझे याद है मैं लॉकडाउन की बात थी और बीच में मुझे बहुत जोर के बुखार हो गया था. आई थिंक जो उस टाइम पे बीमारी चल रही थी वही हुई थी. एंड मैंने टेस्ट वेस्ट जो कराया नहीं कराया तो माई बॉडी वॉज नॉट इन द पीक स्टेट. एंड आई स्टिल रिमेम्बर आपको कुछ सेशन चल रहा था एंड आप उस टाइम पे ऐसी कुछ आपने शेयर किया होगा कि यू नो आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, कुछ इस तरीके से आपने बोला. एंड मैं उस टाइम पे बस बेड पे लेटी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं खा पा रही, कुछ नहीं कुछ कर पा रही. एंड मेरे दिमाग में बस यही चली जा रहा है, कम ऑन एनी, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर द बेस्ट. एंड विद इन अ डे और टू, जो मतलब नॉर्मली 14-14 दिन लोगों को लगे, 2 दिन में आई कुड हील आउट ऑफ दैट बिकॉज ऑफ जो एक्टिवली उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को कहते हैं ना ब्रेक डाउन में भी वो चीजें रिमाइंड कराए. तो हेल्थ में तो यही है, बाकी मोटा मोटा तो आई एम हेल्दी क्योंकि बचपन से. हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि बचपन से जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट्स का बिलीफ ही बच्चों का बिलीफ बन जाता है, तो हम जब बचपन में छोटा सा भी हमें बुखार होता था तो मम्मी पापा यही बोलते थे अरे ये तो स्ट्रांग बच्चा है, अरे ये तो सुबह तक ठीक हो जाएगा, स्ट्रांग बच्चा है. तो इसीलिए कभी दिमाग में और कुछ आया ही नहीं है क्योंकि रेज्ड लाइक दैट वाला चीज था. तो ये आई थिंक बहुत जरूरी होता है कि कभी कुछ बुरा भी हो जाए, गलत भी हो जाए, तो यही सिखा रखा है. तो ट्यूनिंग ही थोड़ी ऐसी है दिमाग की. वाओ, देखो एनी ने क्या बताया, बहुत अच्छी चीज बताई है. ये जितने भी मदर इंडिया है ना यहाँ पर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमको सबको एडिसन मदर बनना है. जब भी आपका बच्चा बीमार होता है तो मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा बीमार हो जाती थी, मेरे को डरा देती थी. मतलब आई यूज टू फील स्पेशल, और ये बच्चे को बुखार है, ये करो वो करो वो ये करो, मतलब पूरा घर परेशान. अब यहाँ इनके मम्मी पापा क्या कहते थे, स्ट्रांग बच्चा है ये, तो स्ट्रांग बच्चा है, इसको कुछ नहीं होने वाला है. बच्चे को कुछ होता ही नहीं है, बच्चा अपना माइंड में समझ लेता है मुझे तो कुछ होने वाला ही नहीं है, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने बोला है. वॉट द पेरेंट्स सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड. अब हम क्या करते हैं, खुद तो डर जाते हैं और बच्चे को भी डराते हैं. नाउ यहां पर जो है इनकी ट्रेनिंग ही स्पेशल हुई है. अब हम ये सीख सकते हैं एंड वी कैन रिपीट दिस फॉर अवर किड्स. मे बी इफ अवर हमारे बड़े बच्चे बड़े हो गए तो हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको हम ऐसा कर सकते हैं. एंड दिस इज वॉट आई एम डूइंग. मैंने भी मतलब मेरी ट्रेनिंग भी गलत हुई थी, मेरे बच्चों की भी प्रोग्रामिंग थोड़ी गलत हो गई थी, बट अब जो मैंने जब सीख लिया हूं तो आई एम प्रोग्रामिंग माय ग्रैंड डॉटर इन द सेम मैनर. थैंक यू एनी. और दूसरी बात देखो उन्होंने क्या बताई, फीवर आया था कोविड के टाइम पे, उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया क्या हुआ, बट शी यूज द पावर ऑफ हर माइंड, शी यूज द पावर ऑफ अफर्मेशंस.
सभी को पता है ना वो एमिल कुए करके जो था 1800 में, मतलब आज से 200 साल पहले, वो हर साल 15,000 लोगों को ठीक करता था. एंड ही डिड इट फॉर 16 इयर्स जस्ट बाय वन सेंटेंस. वो अपने पेशेंट्स को बोलता था, रिपीट द स्टेटमेंट, आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे. आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे. आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर. जब भी आप बीमार गिरो, ये एनी की बात याद रखना, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, बहुत शक्ति है, कल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, जो आपका जो माइंड है ना, उसको माइंड को डाइवर्ट कर दो. इन्होंने भी वही किया और एक दो दिन में ठीक हो गई. दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. इतनी शक्ति है हमारे बॉडी में कि हील कर सकते हैं. हम क्या सोचते हैं, अरे बाबा मर गया, कोविड हो गया, इसको हो गया, ये हो गया, इतने लोग मर रहे, क्या क्या फालतू के दिमाग में आ जाते हैं. ओनली थिंग इज यू हैव टू बी पॉजिटिव इन दैट मोमेंट एंड डू योर अफर्मेशन, दैट इज ऑल. थैंक यू एनी. नो मैटर, मतलब अब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे अभी और भी बीमारियां याद आ रही हैं, बट आई ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स था, हाँ ये तो दो दिन में ठीक हो जाएगी, हाँ इसमें बस इतना करो ठीक हो जाएगी, ये लगाओ, ऐसे करो, इसको दिखाओ ठीक हो जाएगी, बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग वेंट डाउन स्मूथली. थैंक यू. सो नाउ रिमेम्बर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट याद करो रखना हमेशा. एनी के ये तो स्ट्रांग बच्चा है. आपके घर में कोई भी बीमार होता है, पहला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट रेगुलरली कीप ऑन, यू नो, फीडिंग द माइंड ऑफ द चाइल्ड या तो फैमिली मेंबर. ये तो स्ट्रांग बच्चा है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा. स्ट्रांग बच्चा है, एक दो दिन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये तो स्ट्रांग बच्चा है, ये तो स्ट्रांग, अरे इसको कुछ नहीं होगा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा. बस कीप ऑन रिपीटिंग द स्टेटमेंट. एवरीबडी हैज टू डू द सेम थिंग टू द, जो भी जिनको बीमार है घर में उनको यही स्टेटमेंट, अरे एक दो दिन में ठीक. हम क्या करते हैं, खुद भी डर जाते हैं और उसको भी डरा देते हैं. अरे चलो डॉक्टर के पास, अरे दवाई ली के नहीं, अरे तेरा तो भी आज परेशान दिख रहा है, अरे अभी तो गया था ये, यू आर फीलिंग वेरी वीक, ये वो, अभी उसको कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी हम ठोकते रहते हैं. अरे तू तो बहुत कमजोर दिख रहा है यार, तू अभी दो चार दिन आराम करना, तू ऑफिस नहीं जाना, तू ये करना वो करना, इतना डरा देते है उसको, तो ठीक ही नहीं होता 8 दिन तक. और यहाँ ये बच्ची है तो स्ट्रांग बच्ची है, कैसे बन गई, बिकॉज उसको फीडिंग वैसे हुआ है. हम भी वो कर सकते हैं, सिंपल है. थैंक यू एनी. सो एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? अभी तो मेरे को याद आ रहा है, जैसे आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को ट्रेन कर रहे हो, आई थिंक मैजिक बुक भले लेट आई, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरी पूरी अपब्रिंगिंग ही इसके साथ करी है, इन एवरी वे, मनी के एरिया में भी. जैसे मुझे याद है, although we came from a very middle class family, aisa kuch nahi hai, bahut sara paisa tha, but still whenever we needed money, I remember, taki dimag mein bacche ke mindset kya bane, money bahut hai. So what we used to have was hamare ghar mein na, there was this little money drawer jisme 10-10 rupees, 20-20 rupees, 50-50 rupees mummy rakh deti thi. Hum school jate the, kabhi kabhar canteen jane ka man karta tha, khane ka man karta tha. Ab baar baar mango to thoda odd bhi lagta hai ki are kitni baar bahar ka khaungi. To mummy keh deti thi ki bachcho kabhi odd lage koi baat nahi, bas hame bata diya karo ki mummy 10 rupees le rahi hu snacks khane hai, ya 20 rupees le rahi hu niche ice cream khani hai. एंड टचबोर्ड हमेशा उस वाले जो उनके रूम में वो ड्रॉअर था उसमें हमेशा पैसे होते थे. तो जिस वजह से ना, मतलब आई डोंट नो हाउ मच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट आज की डेट में ना अंदर से वो ही होता है कि वो बिलीव सेट हो गया कि बहुत पैसे है, जब पैसे चाहिए होंगे, जितने पैसे चाहिए होंगे, बहुत पैसे है, अगर कभी नहीं होंगे तो मांग भी सकते हो, बिकॉज पेरेंट्स आर, उनके पास भी बहुत पैसे है. So again, जो वो belief होता है ना, even for the parent, they have never ever that I remember use the words कि पेड़ पे उगते हैं or something like that, never. They've always been like, हाँ हाँ बेटा आपको सच कुछ, हाँ मम्मा would teach us कि बच्चे जो need है सिर्फ उतना रखा करो, है ना, be respectful about money so that it comes to you in abundance. So she teaches to be respectful about it. But it would always be in abundance because of which touchwood, आज अगर काम भी करते हैं तो पता है हाँ abundance में जब चाहिए होगा भर भर के मिलेगा. तो उसकी वजह से भी बिलीफ इंस्टिल करना, नॉट सिर्फ बोलने में मगर एक्शंस में भी, देखने में भी, यूज करने में भी, तो उसमें भी बहुत फर्क आया. ये नहीं कि जो मांगते थे सब मिल जाता था, बट कभी वो शब्द नहीं इस्तेमाल करे कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उससे भी बहुत फर्क.
मतलब मनी के एरिया में आज की डेट में. तो ये एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपके यंग पीपल हैं तो मे बी यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर वर्क्स आउट फॉर यू एंड सो दैट इवन इफ यू डोंट गिव देम मनी इज फाइन, इवन इफ यू गिव देम जस्ट 10 rupees इज फाइन, बट यू नो जस्ट टेलिंग देम दैट बेटा यू आर अ मैग्नेट फॉर मनी, यू विल ऑलवेज हैव अबंडेंस, इट मेक्स अ बिग बिग डिफरेंस. सो यस, वाओ, दिस इज द वे टू प्रोग्राम अ चाइल्ड्स माइंड. एंड रिमेंबर, एक बात और याद रखना, हम भी जो है ना, हम भी बच्चे ही हैं, अभी भी बच्चे ही हैं. बट एक फर्क सिर्फ इतना है कि 7 साल की उम्र तक आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप अप टू द एज ऑफ 7 योर कॉन्शियस माइंड इज नॉट डेवलप्ड. सो वॉट एवर योर पेरेंट्स सेज गोज डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट बिकम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर लाइफ. ठीक है, अब अगर आपका भी अगर समझो जैसे मेरा, so my parents my father was a little different, he used to tell us to save money, paisa kharcha nahi karna, paisa nahi hai, wo jo sab books mein padhe na humne sabhi, something sort of same my father. But now I am able to reprogram my mind, I have started spending money, I have started enjoying myself, I have started pampering myself. Ye sab maine sirf reprogramming karke kiya hai. Aapne bhi ये जो अबंडेंस माइंडसेट हम बातें करते हैं, अबंडेंस माइंडसेट, ये आप भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक योर माइंड एन अबंडेंस माइंडसेट. सिंपल, हाउ? बाय सेइंग पॉजिटिव थिंग्स टू योरसेल्फ, बिकॉज एक बच्चा हमारे अंदर भी है. पूजा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Okay, thank you very much. So anything else? So what else you would like to share? One more thing I'd like to share, since we're talking about what all I created. So, you know, aaj ki date mein, I remember when I was in 11th grade in my school, so tab I had done my landmark program when I was about 12 years of age. So tab young people ka hota tha. Isliye mujhe young people ke liye sessions karna bahut achha lagta hai, dil se lagta hai, kyunki main bhi jab 12 saal ki thi, to mujhe bhi karwaye gaye the. जिस वजह से मुझे लगता है कि कहते हैं ना, अगर राइट एज पे आपके ब्रेन की ट्रेनिंग हो जाए तो आपकी आगे की लाइफ, आपके डिसीशंस, आपके पैटर्न्स, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. तो इसीलिए मुझे याद है जब मैं 11th क्लास में थी, तो तब ना मैंने एक प्रोग्राम था लैंडमार्क का, जिसमें आप कम्युनिटी के लिए एक चीज पिकअप करते हो, एक सब्जेक्ट पिकअप करते हो. तो मैंने एक स्टार्ट किया था कि चलो यार, आई वॉन्ट टू ना हेल्प पीपल माई एज, स्कूल फ्रेंड्स माई एज. एंड मैंने एक जोर से बोलो योलो योलो नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसका इंटेंशन क्या था, बिकॉज आई वुड सी बहुत सारे बच्चे थे मेरी एज के जो कि पीयर प्रेशर के साथ डील कर रहे थे, पेरेंट्स के साथ नहीं बात कर पाते थे, है ना, एंड दे वुड रिजॉर्ट टू थिंग्स. स्कूल में सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सब चीजें आ जाती थी, उसी टाइम पे ही आदतें पड़ जाती थी. और मुझे दिख रहा था कि अरे बाबा, जिस रास्ते में जा रहे हो वो सही रास्ता नहीं है. And I wanted to help them कि अरे जो दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे बाहर निकलो. बट उस टाइम पे रास्ता नहीं पता था, मगर अंदर से ना इंटेंशन बहुत प्योर थी कि यार नहीं, मुझे उन यंग पीपल की मदद करनी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर रास्ता नहीं पता था. चलो कोई बात नहीं, अब स्कूल खत्म हो गया, बोर्ड्स खत्म हो गए, ठीक है, कहानी खत्म. बट दिल से वो था प्योर. एंड कहते हैं ना, जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है, आप कोई भी चीज दिल से मांगते हो, करना चाहते हो, पता नहीं कैसे वो जादू की तरह हाथ में भगवान ने मैजिक बुक भी दे दी. मैजिक बुक देने के साथ साथ कहते हैं ना, रास्ता भी दे दिया, स्टेप बाय स्टेप मैनुअल, स्टेप वन, स्टेप टू, कि अरे बाबा ऐसे करोगे तो इससे बाहर निकल जाओगे, ऐसे करोगे तो वैसे निकल जाओगे. तो इसलिए अब मुझे और ज्यादा दिल से खुशी फील होती है कि अरे जो उस टाइम पे सपना देखा था, उसका पूरा करने का रास्ता अब इसके थ्रू निकल रहा है एंड कर पा रही हूँ. एंड टच वुड विद द ब्लेसिंग्स, अब स्कूल्स में ही मेरा मेन, कहते हैं ना, अंदर से जुनून आता है कि अरे स्कूल्स में जाओ, हाई स्कूल्स में जाओ. 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, अरे बहुत जादू होते हैं, बिकॉज इस टाइम पे अगर आप अपने आप को, कहते हैं ना, संभाल लोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स, फ्रेंड प्रॉब्लम्स, मार्क्स की, एडमिशन, ये सब चीजें बचपन में संभाल लोगे तो बाद के हार्ट ब्रेक थोड़े कम संभालने पड़ेंगे. तो इसीलिए मुझे लगता है बचपन में सुधर जाओ. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई. एंड Touchwood, it's spreading in the young people also. So I'm very, just very, very happy ki everything's going very wonderfully well.
तो बस थोड़ा बहुत यही शेयर करना है, बाकी तो प्रैक्टिसेस चल ही रही हैं, आप सब लोग कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत बड़ा चमत्कार है अगर पेरेंट्स टीचर्स करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बात करने के व्यवहार के अंदर थोड़े बहुत ये बदलाव ले आते हैं। अरे और क्या चाहिए होता है, बच्चे अपने आप को संभाल ले, आसपास का एनवायरमेंट संभल जाए, दुनिया संभल जाती है, सिंपल है। वाओ, बट आई एम हार्टली ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स, इट इज 100% बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे, कभी भी मेरी मम्मी ने आज तक नहीं पूछा बेटे तेरे मार्क्स कितने आए हैं। मेरे पापा को आई डोंट थिंक पता था कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। मेरे पापा को तो कभी एक बार पूछना पड़ता था, बेटा कौन सी क्लास में आ गई हो, सब बढ़िया चल रहा है। एंड आई वॉज अ स्कॉलर ऑफ माई स्कूल, लाइक हर सब्जेक्ट में A+, 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 क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन ही बहुत स्ट्रांग थी। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है मैं उनका डमी प्रोडक्ट हूँ मैनिफेस्टेशन का, वो होता है ना डेमो करके दिखाओ, तो मेरे को उन्होंने अपना डेमो बना रखा है ना, कि मतलब बच्चे को बोलो आप सब कर सकते हो, कर देंगे, है ना। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी है, बहुत गलतियां करी है, मतलब बहुत ऐसी स्टूपिड स्टूपिड चीजें भी करी है लाइफ में, मगर ना वो ही होता है कि जैसे सर ने बोला मदर पेरेंट्स के, मदर फादर का बिलीव बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मुझे आज भी याद है मैंने ना बहुत गलती की थी, मेरे को डांट पड़ रही थी, तो मम्मी ने ना मुझे बहुत डांटा, थप्पड़ मारे, चप्पल मारी, सब कुछ मारा, जोर जोर की पीट दिया, मैं रो रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है अब मैं, मैंने कहा अब मैं इनसे बात नहीं करूंगी। फिर आई उसके बाद मेरे कमरे में आके मुझे कहती, बट बेटा एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना कान खोल के। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, अब क्या बोलना चाहते हो। कहती अभी अंदर जो कमरे में हुआ सो हुआ, मगर एक चीज हमेशा याद रखना, आप भगवान के बच्चे हो, यू आर गॉड्स एंजल एंड यू आर मेंट टू डू गॉड्स वर्क, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। ये जो अंदर आपको थप्पड़ पड़ा वो आपको नहीं पड़ा, वो आपके अंदर ना कभी कभार डेविल आ जाता है, तो उसको चुप कराने के लिए करा था मैंने, क्योंकि मुझे पता है आप असल में एक एंजल हो। एंड यू नो शी वुड ऑलवेज कम बैक टू हु शी रिलेट्स टू मी एज, शी वुड ऑलवेज कम बैक, ये नहीं मेरे को थप्पड़ वप्पड़ नहीं पड़े, सब पड़ा है, मगर ऑलवेज कम बैक टू My vision for my daughter is this. तो इस वजह से उस टाइम पे तो लगा बड़े आए बोलने वाले, बट वो अंदर ना रह जाती है बात। तो आई थिंक it's a very big role that gets played, that you know, how do you relate to your child? Who are they for you? So it's a very big thing. So मैं जब parent बनूंगी तो देखते हैं मैं कैसे बच्चे raise करूंगी, but अभी तो as a child ही मैं बता सकती हूँ। Wow, this was an amazing sharing of a parent. How she teaches, how वो coach कैसे करती है अपनी daughter को या बच्चों को, very simple, punishment भी दिया, उसके बाद में जो language, जो words use किए वो बहुत ज़्यादा empowering थी। She was addressing Annie as an angel, Annie, कि you are भगवान का बच्चा, तू ये है, तू ये है, वापस उसको empower करके चली गई फिर। It was amazing. So this is actually a lesson to all our parents, all the parents present over here, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके ग्रैंड पेरेंट, जिनके छोटे छोटे और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल वे टू प्रोग्राम योर चाइल्ड माइंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप? द एरिया ऑफ रिलेशनशिप, अभी हस्बैंड तो मैं ढूंढ रही हूँ, आप में से किसी के पास अच्छा सूटर हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। एनी अभी हम ढूंढ ही रहे हैं, फाइनल कब होगा? मैनिफेस्ट करो, काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं हम। नहीं चलो, हस्बैंड वाला चैप्टर तो एक चैप्टर हुआ, बट हाँ इसके अलावा हाँ मतलब आई थिंक आज की डेट में मेरे भाई के साथ बहुत फर्क पड़ा। मेरा भाई और मैं, हम बहुत लड़ते झगड़ते थे, बहुत ज्यादा, मतलब हमारा प्यार ही लड़ाई में निकलता था, मतलब इट वॉज आवर वर्जन ऑफ सेइंग आई लव यू। तो बट देन आई थॉट दैट यू नो वी हैव ग्रोन अप एंड वी शुड नाउ मॉडिफाई आवर वेज ऑफ सेइंग आई लव यू। एंड तो मैंने एक बार फिर अपने लिए, मुझे याद है मैंने ड्रीम में लिखा था, अरे रिलेशनशिप का आपने चैप्टर खोल दिया तो बहुत सारे खुल गए। भाई के साथ एक बताती हूँ, तो I wrote down that, you know, I want to be his best friend, that he comes to me and he talks about his personal life with me and I am my true self with him, like 100% myself with him. And I used to write my gratitudes, I used to visualize, I used to look at our pictures from bachpan when we were ekdam mast.
So I'd give my blessings to that. And very soon, like today, if you meet me and my brother, we are like fully, matlab, full-blown self-expression. Jo bolna chahe, bahut achche se bol sakte hai. Ye ek hua. But ab ek aur cheez main bataungi, mujhe relationship mein yaad aayi. Mujhe yaad hai, 2 saal pehle meri life mein ek aisa relationship, personal life mein, family area mein tha, jinke saath aisi stage aa gayi thi, ki main dobara unki taraf mudke bhi nahi de sakti wala. Matlab like zero communication. Bilkul khatam ho gaya tha. And I never thought I'll ever speak to them again. And जो मिरर वर्क की कुछ प्रैक्टिसेस थी, अपना एंगर लेट आउट करने वाली, ग्रैटिट्यूड वाली प्रैक्टिसेस थी, पीपल हु मेड अ डिफरेंस वाली प्रैक्टिसेस थी, उनको किया. आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में मुझे नहीं पता कैसे मतलब ऐसी स्टेज आ गई थी जब उनको देखते थे तो यू वुड यू नो आपके अंदर इतना एंगर आता था दैट योर हैंड्स वुड ट्रेम्बल. आज की डेट में उनके साथ ही वी मीट ऑलमोस्ट एवरी वीक आउट ऑफ जॉय. वी सिट, वी लाफ, वी हैव अ ग्रेट टाइम. We in fact even plan go on vacations and do so many things. It's beautiful. It's beautiful. Like things kehte hai na jo aap kalpana bhi nahi kar sakte, wo aapke liye turn around ho jaate. So I think so this is one of the things in relationships. Aur bhi aise bahut sare hain. हाँ, अब तो मेरे लिए पूरी बुक खुल गई है. आप वही होता है, आप राइट क्वेश्चन पूछो तो दूसरे व्यक्ति के दिमाग में सारे के सारे चैप्टर्स उससे रिलेटेड खुलने स्टार्ट हो जाते हैं. बट हाँ जी, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड. और क्या अच्छा हुआ था रिलेशनशिप्स में? रिलेशनशिप्स में बहुत प्यार आ गया. कहते हैं ना मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, लाइक आई कुड नेवर इमेजिन माई फ्रेंड्स. नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ आप हा हा ही करते हो, है ना, कभी कभार अपसेट्स वगैरह शेयर करते हो, बट टू रियली हैव देम बाय योर बैक, कि दे आर स्टैंडिंग फॉर यू. तो ऐसे रिश्ते भी बहुत सारे क्रिएट हुए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस वाले रिश्ते क्रिएट हुए अपने फैमिली के अंदर, अपने कजन्स के साथ, अपने चाचा चाची ताया ताई उन सब के साथ. मतलब द वे दे लुक टू यू, द वे दे रिलेट टू यू. अपने दादू के साथ आई थिंक मैंने मैजिक बुक करने के बाद ही वो होगा ना कोई चैप्टर मैजिकल रिलेशन, तो मैंने उन्हें जाके आई लव यू बोला. वो ऐसे घबरा गए, क्या हो गया इस लड़की को, आई लव यू को बोल रही है मुझे. बट इट वाज क्यूट. तो इस तरीके से अपने एल्डरलीज को, अपनी दादी को, दादाजी को, नानू को, मामा को, मतलब सब लोगों को, है ना, उन लोगों ने सचमुच बहुत कुछ किया है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है. बट कभी कभार उतना दिल से इजहार नहीं किया था. तो आज की डेट में करते हैं ना, तो उनके अंदर भी दिल से प्यार फील होता है अपने भी. तो आई थिंक दैट इज, ये बोलते बोलते अब मेरी आंखों में पानी आ गया है ना, जब दिखता है, जब आप एक्चुअली अपने आप को रियलाइज करते हो कि यार सचमुच कितना कुछ बदल गया. तो हाँ, ये कुछ चीजें आई है लाइफ. वाओ, थैंक यू. और आपसे मिले, नहीं, रिलेशनशिप्स पे ये कैसे मैं भूल गई, पिछले 2 साल में आज 170 लोग आज इस कॉल पे बैठे हैं रात के 9:30 बजे, शेयरिंग सुन रहे हैं. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रिलेशनशिप. ओ माय गॉड, पूरी दुनिया जहान से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इतने नए नए रिश्ते फॉर्म हुए. मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ क्रिएट होगा स्ट्रक्चर जहाँ पे हर महीने लोग हमें रीच आउट टू करेंगे, अरे चलो ना मिलते हैं, चलो इकट्ठे ग्रेटिट्यूड करेंगे, इकट्ठे डांस करेंगे. अरे ये सपना नहीं तो और क्या है. तो आई थिंक दिस इज अ सुपर्ब रिलेशनशिप दैट्स बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस. यस, ओके. सो वन मोर क्वेश्चन, सो हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ इंप्रूव्ड आफ्टर यू हैव डन मिरर वर्क एंड मैजिक बुक्स एंड ऑल? ओह, इट हैज बीन, हाउ यू वर बिफोर एंड हाउ यू आर नाउ, 360 डिग्रीज, 720 डिग्रीज, जितना भी बड़ा, 1080 डिग्रीज. I don't know. It has been a world. Magic book is good. क्योंकि magic book के बिना आप mirror work पे नहीं जा सकते हो. क्योंकि magic book तो शुरुआत है. Magic book से आपको दिखता है, अच्छा मेरे अंदर भी कुछ power है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ actively कर सकती हूँ. तो वो तो है ही है. मगर जब मैंने mirror work करनी शुरू करी अपने लिए, अपने अंदर ना हमें पता ही नहीं था, मुझे, चलो मैं अपनी बात करती हूँ, कि मैंने कितने सारे पास्ट की चीजें होल्ड ऑन टू करके रखी हुई थी. मैं कहती थी हाँ बहुत खुश हूँ, हंस रही हूँ, हा हा ही सब चल रहा है, मगर अंदर से उतना लाइट नहीं फील कर रही जितना सोच रही हूँ. मतलब मिल रहा, कहते हैं ना
अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी फैमिली है, अच्छे पैसे है, अच्छा सब कुछ है, मगर उतनी खुश क्यों नहीं हूँ फिर जितना होना चाहिए. दिस वॉज बिफोर आई डिड माई मिरर वर्क प्रैक्टिस. एंड देन आफ्टर क्या ड्यूरिंग के अंदर भी जब आपने एड्रेस करा, अरे ये नेगेटिव बिलीफ पकड़ा हुआ है, अरे ये वाला एंगर नहीं लेट गो करा, अरे इसका स्ट्रेस पकड़ा हुआ है, इसका फियर पकड़ा हुआ है, और जब एक एक को पकड़ पकड़ के उसको छोड़ा 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 छोड़ा, तो फिर ना पता नहीं, मतलब बहुत ही मजा आने लग गया लाइफ में. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. जिन लोगों ने मिरर वर्क करी है आज तक, आप लोग शायद माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. बट यू फील लाइक यू आर फ्लाइंग, यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग, यू फील लाइक यू कैन, जिससे बात करनी है कर लो, जैसे बात करनी है कर लो, जो करना है. मुझे याद है जब मैंने पहली बार मिरर वर्क की थी ना, तो उसके अंदर एक असाइनमेंट आता है विद योर इनर चाइल्ड वाला, इनर चाइल्ड को लेके बाहर खेलो. तो मेरा इनर चाइल्ड, मैं पार्क में वॉक कर रही थी, तो वो ना ऐसी रैंडमली जाते हुए एक घर के पास मतलब क्रॉस कर रहा था, अंदर बर्थडे पार्टी चल रही थी, मुझे नहीं पता किसका बर्थडे, मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है. तो कहता अपने इनर चाइल्ड को साथ लेके घूमो, मैं घर के अंदर घुस गई. मैंने कहा किसका बर्थडे है? वो एक छोटा सा बच्चे का बर्थडे मन रहा था. मैंने कहा हैप्पी बर्थडे. वो हमारे पड़ोसी थे तो वो मुझे थोड़ा बहुत जानते थे. तो उन्होंने कहा आपकी तो हमें उम्मीद. मैंने कहा मुझे भी नहीं उम्मीद. हंसते हंसाते मुझे केक खिला दिया. तो मैं तो बड़ी खुश हो गई. मैंने कहा वेरी गुड जी, मेरा तो मना गया आज का इनर चाइल्ड, बड़ा खुश हो गया. तो कैसे मतलब you're doing something just because you're doing, you're having fun just because you're having fun. So I think bahut masti kari hai inner child ke sath, and I think it's an ongoing journey. Main ye nahi kahungi maine hamesha ke liye kar liye. Mirror work ek daily practice hoti hai. Jaise kal Ashmin ma'am ne assignment diya tha mirror work ka, to maine kal bhi kiya, to mujhe realize hua, are dekh beech mein kitne time ke gayab bhi to ho gayi thi na, mujhse hi hello bhi nahi kiya. To fir it's an ongoing practice ki har din milo, baatein karo, and it's fun. It's very fun. Life में वो गाना है ना, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग है मिलाया. तो I think कुछ वैसा सा mood हो जाता है इसको करने के बाद. Okay, very nice. Okay, so now one last question. So what are अभी any के dreams क्या हैं? What are your dream? मतलब manifestation में आपके क्या क्या dreams हैं? सच वाला बता दूँ? बता दो इंतजाम record. Yeah. I think so. My number one dream is that I want to work with Narendra Modi ji in spreading gratitude as a compulsory subject in the schools of India. That's my number one dream. Wow. 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 Yes. Thank you. Thank you so much. Anything else? Oh, and also personal life, Mishadi. Personal life में मेरा एक tall, fair, handsome, loving husband दिख रहा आपको यहाँ पे? अभी invisible है, अभी invisible है. अभी अभी यहाँ से प्रकट होगा. क्या पता हमारा ये visualize your husband, amazing. These two things are on top of the list. Wow. And we are dancing in your wedding. That goes without saying. My dad imagines all of you coming and dancing and having a blast. That goes without saying. इकट्ठे आ रहे हैं सब सुबह से लेके रात तक, overnight नाच रहे हैं. In fact, उन्होंने तो ये भी plan करा हुआ है, हमारा जो घर है ना गुड़गांव वाला, यहाँ पे उन्होंने देख लिया यहाँ पे कैसे कौन लेडी संगीत बनेगा. लेफ्ट राइट पे उन्होंने रूम्स का भी अरेंजमेंट कर लिया है, कहाँ पे हलवाई बैठेगा, कौन कहाँ पे बैठेगा, कैसे डेकोर होगा, सब चीज उन्होंने प्लान कर लिया. तो शुक्राना वाले ना ऑल ओवर इंडिया से आएंगे, तो उनका स्टे इधर 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 करेंगे. मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड. तो और नागिन डांस करेंगे लोग. राजन सर विल डू नागिन डांस. बेंच में सर ने अमेजिंग डांस किया नागिन डांस. आप सब लोग अपने अपने कपड़े तैयार कर लीजिए, है ना, जल्दी आपको न्योता मिलेगा. Thank you. हाँ जी. Wonderful. Wonderful. So, this is how you manifest, you know. This is the power of manifestation. ये manifestation process है ये.
मतलब yeah. आप अपने हर एक स्टेप को कैसे क्या घर होने वाला है, कैसे लोग आने वाले, कौन से कपड़े पहनने वाले, क्या करने वाले, खाना कैसे होने वाला है, कौन कौन, जस्ट यू आर इन दैट स्टेट ऑफ विजुअलाइजेशन. दिस इज मैनिफेस्टेशन, उसकी टेक्निक है ये. यस थैंक यू. थैंक यू सो मच राजन सर. लाइक सीरियसली आप इतने टाइम से, इतनी मेहनत से, इतने इनोवेटिव वेज से, मतलब आप हमारी लाइफ में, इतने सारे लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो. आई एम वेरी सीरियस. आज अगर मैं अपनी लाइफ में, मेरे दिमाग में आइडिया भी आया ना कि मैं यंग पीपल के लिए कुछ कर सकूं, इज बिकॉज आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी लॉकडाउन के अंदर कि चलो बच्चों के लिए करते हैं. तो थैंक यू सो मच राजन अंकल. आप कितना कुछ करते हो क्या ना, मतलब यू एक्ट एज अ टॉर्च प्योर. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. We are all absolutely blessed to have sir in our life. Absolutely. You are giving abundance. Thank you, Annie. Thank you, Rajan, sir. Thank you so much. A torch bearer for our life now. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Annie. And let's clap and thank you for the learnings. Thank you for us. Thank you for everything. Thank you for inviting. Thank you, Annie. हमारी energy इतनी high हो गई आपके साथ बात करके. मेरे को आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा. मम्मा तो ये कह रही है कि एनी की शादी में ना कुछ ऐसा करेंगे. हमारे शुक्राना पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया में है ना, तो कुछ ऐसा करेंगे हर महीने एक स्टेट में शादी है ना, आप दिल्ली में, चंडीगढ़ में, फिर उसके अगले महीने बॉम्बे में, फिर उसके अगले महीने ओडिशा में, है ना, किसी महीने इसी बहाने गेट टू एक्सपीरियंस. हो जाए, मैंने कहा इंडिया का कंप्लीट हो जाए तो दुबई में भी कर लेना. देखते हैं क्या बनेगा. पहला पहला पंखा के पास. मैं तो एनी जी ये सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपके हस्बैंड एनी अमेरिका में भी, उसके बाद अमेरिका में आ जाना दुबई के बाद. में तो आना ही है. एनी को बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं. एनी जयपुर लड़के तो ऑफर नहीं आया अभी तक, बाकी ऑफर नहीं आया. पाइपलाइन के अंदर है वो, ये अनलेस यू पुट द रिंग ऑन इट, गॉड ब्लेसिंग. एक्चुअल में एनी जी के लिए बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए अलग अलग तरीके का जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो रह रहा है. और कहीं ना कहीं फाउंडेशन को लेकर जब एनी जी अकेले इतनी जोर से चल रही हैं, जब एक और साथ में साथी होगा तो कितना जबरदस्त रहेगा ये सफर. अमेजिंग होने वाला है, कमाल हो जाएगा. उसी लिए शायद थोड़ा सा डिले हो रहा है कि हमारे फाउंडेशन में वो फिट बैठ जाए. बाकी सब चीजें तो फिट हो चुकी है. मुझे लग रहा है हमारी मैनिफेस्टेशन यही है कि वो भी हमारे साथ सेशन कर रहे होंगे. अगली बार 9 बजे की शेयरिंग में ही शुड आल्सो बी फिट ना, किसके पास भी अपनी शेयरिंग. यस ही आल्सो मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर यू. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ना जल्दी खबर मिलने वाली है. चलिए आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच. December 2023 marriage. God bless you, Annie, with lots of love. Thank you, love you. Thank you, everyone. Thank you, Annie. 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 Thank you so much. Okay, so who is this person doing? बीच में कोई बोल रहा है एनी दीदी, एनी दीदी. एलिफिया से बोलिएगा, एलिफिया मैम बहुत अच्छी ग्रेटिट्यूड प्रेयर करती है. प्लीज बोलो ना, कौन करा रहा है ग्रेटिट्यूड करा रहा है. राजन सर आप कराएंगे? एलिफिया से करा लीजिए, एलिफिया मैम से. ओके एलिफिया आज कराती है. एलिफिया आर यू ओके? I don't think she's on the call. I think she's locked off. Okay. Sir, अभी मैंने मैनिफेस्ट किया. Annie बहुत अच्छा करा. आप करा लीजिए आज हमें. Okay, हम रोज नए नए लोगों से gratitude prayer करते हैं. So before we go to sleep tonight, we would like if you could help us, you could do a gratitude prayer. Sure. ठीक है. Wonderful. Okay. One, please join your hands. So आज के दिन में आपके साथ पहले तो एक गहरी सांस बाहर छोड़ें.
सांस बाहर छोड़ते हुए जो भी आपके दिमाग में थॉट्स फीलिंग्स वाइब्रेशन जस्ट लेट देम ऑन गो अपने फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल लाएं थैंक यू आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग से भरे हुए दिन के साथ स्माइल्स के साथ लाफ्टर के साथ उन लोगों के साथ जो मुझे प्यार करते हैं जिन्हें मैं प्यार करती हूँ एक सेहतमंद दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी थैंक यू गॉड कि मैं अपनी रात को इतने खूबसूरत नोट पे कंप्लीट कर सकूं खुशी खुशी सोने जाऊं आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्रिया कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं इकट्ठे अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू आपके दिन में जो भी अच्छा हुआ उसको याद कीजिए और एक एक करके उसके लिए थैंक यू बोले जो मैंने नाश्ते में खाया उसके लिए थैंक यू आज के अच्छे से मौसम के लिए भी थैंक यू जो कपड़े पहने उसका भी थैंक यू जिस गाड़ी में बैठ के घूमने गई उसका भी थैंक यू मेरी फैमिली भी आज स्वस्थ है उनकी हेल्थ का थैंक यू मैं भी हेल्थी हूँ उसका भी थैंक यू गॉड थैंक यू सो मच आज के दिन को इतनी सारी ब्लेसिंग से भरने के लिए इसी प्रकार मेरे हर दिन की शुरुआत और एंड को खुशियों से भरते रहना और ज्यादा खुशियों से और ज्यादा खुशियों से शुक्रिया 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 थैंक यू गॉड थैंक यू सी यू टुमारो इन अ ब्यूटिफुल डे थैंक यू आप अपने हाथों को अपनी जस्ट रब योर हैंड्स डोंट ओपन योर आईज अपनी आंखों पे लगाएं अपने चीक्स पे लगाएं अपने घुटनों पे बैकबोन पे हाथों को फिर से अपनी आईज के सामने लाएं और अपनी आंखें खोलें थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू एनर्जी थैंक यू दिल से शुक्रिया इतना अच्छा है मेडिटेशन थोड़ी देर में हमें अपने आप से जुड़ने के लिए धन्यवाद दिल से धन्यवाद थैंक यू मैडम थैंक यू Thank you so much, Annie. You are very smart, Annie. Thank you so much. Thank you, beautiful soul. Thank you. अभी log off कर सकते हैं ना अभी complete है meeting. Thank you. मन नहीं हो रहा है नहीं. मेरा भी नहीं हो रहा. Feeling like. Thank you, Annie. आपने मेरे को see you all tomorrow morning. कल Annie. To love में morning में 6-7 मिलते हैं. See you. Yes, thank you very much. Thank you, Annie, okay. for coming. Love you, Annie. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Annie. Thank you very much. So, see you all tomorrow. You, so, I'll end the session. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.